चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। अनुज जी आपके पास आ रहा हूं। पहला कमेंट आपका, क्या लगता है मसालों के अंदर इस साल 2022 तड़का बेहतरीन लगने वाला है? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो कोरोना अभी छटा है उससे एक अवेयरनेस इम्यूनिटी बूस्टर के तौर के ऊपर मसालों की जो डिमांड बढ़ी है पिछले 2 साल के अंदर में, और वो प्रूव भी हुआ है, और हमने एक अच्छी खासी हल्दी की तो खास तौर के ऊपर डिमांड जो जनरेट होते हुए देखी, वो निश्चित तौर के ऊपर कहीं ना कहीं इंडियन जो मसाला इंडस्ट्री है उसके बीच के अंदर में एक बूस्टर का भी उसने काम किया है। ना सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए उसने बूस्टर का काम किया, बल्कि इंडस्ट्री जो नीचे चली गई थी और जो हल्दी आपकी तकरीबन 4,000-5,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी उसको भी एक बड़ा बूस्टर दिया है। तो आगे इस साल 2022 आपको कैसा नजर आ रहा है? थैंक यू सुरेश जी। देखिए मसालों में अगर हम देखें, अगर आप 2018 से इसको ट्रैक करेंगे, 18, 19, 20 तीन साल जो थे वो एक नेगेटिव टेरिटरी में रहे थे। धनिया और हल्दी और जीरा में हमने नेगेटिव ट्रेंड देखा था, हालांकि धनिया में कुछ मिला जुला थोड़ा सा पॉजिटिव रुख था। तो पिछले 4-5 सालों से जो मसाला इंडस्ट्री थी वो उतनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, मगर कोविड के बाद जो डिमांड बढ़ी है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने बढ़ती हुई देखी थी, साथ में मैं यहाँ पर क्रूड को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि क्रूड की वजह से हमने देखा है कि मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसमें एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर आप काफी समय के बाद अगर आप क्रूड को प्राइसेस को और मसालों के प्राइसेस को देखेंगे तो सभी एक टेंडम में चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड से भी इसका मैं रिलेशन देख सकता हूं अगर हम टेक्निकल चार्ट पे इसको फॉलो करें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से ये इंडस्ट्री दबाव में थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन की जो कमी वाली बात थी वो भी यहाँ पर देखने को मिली थी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ देखने को मिला था, और पिछले साल हमने इसमें रिटर्न आते हुए देखा था। और अभी फिलहाल जो मौसम में तब्दीली हुई है, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के कई एरिया में हमने बेमौसम बारिश, तेज हवाएं देखी हैं जो कि क्रॉप को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही हैं, और हमने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में काफी बारिश देखी थी जिसकी वजह से क्रॉप में कुछ डैमेज होते हुए दिखाई दिए थे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि अभी जो एकरेज है और जो क्रॉप की क्वालिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिटोरेट होती हुई दिखाई दी है, जिसका खासा असर हमने प्राइस पर आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी जो ये साल है 2022 का, ये फिलहाल अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। हालांकि जो हम लेवल देख रहे हैं 21,000-22,000 के जीरा के अंदर, वो थोड़े से मुझे लगता है कि अभी एक काफी ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पर थोड़ी सी हम डिमांड कम देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस काउंटर में, स्पाइस काउंटर में तेजी तो बरकरार रहेगी, मगर थोड़ा सा डिप अगर मिलता है तो ही खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि करंट रेट पर आप देखेंगे कि जो खरीदारी है जनरली अगर हम देखें तो जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो स्टेक होल्डर हैं या फिर जो माल को होल्ड करते हैं वो ज्यादा रेट होने की वजह से कम क्वांटिटी में मंगाना चालू करते हैं। तो क्वांटिटी की जो डिमांड की जो क्वांटिटी है वो अगर लाइन पर आनी चाहिए तो थोड़ा सा भाव अगर नीचे आता है तो, बट मुझे लगता है कि ये काउंटर इस साल भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फंडामेंटल साइड काफी सपोर्टिव है, क्रूड के भाव ऊपर है, और जो भारत के अलावा जो बाकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी टेंशंस है जो कि माल को आगे सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो भारत पर जो विश्व की भरोसा है वो काफी ज्यादा है और डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, और मुझे लगता है कि इससे मसाला बाजार को काफी हद तक, बिल्कुल अनुज जो आपने एनालिसिस दिया है लग ऐसा ही रहा है, पिक्चर ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर में सवाल ये उठता है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें और जो इस समय पर माल ढुलाई, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहां पर दिखाई दे रही है इस समय पर मेजर, और उन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो गुड्स का ट्रांजिट है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अनुज जी चूंकि आप एक लंबे समय से रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं और अमूमन ये देखने को मिलता है कि डेटा कुछ कह रहा है, बाजार किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, डेटा कहता है प्रोडक्शन हाई है, स्टॉक अवेलेबिलिटी हाई है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हाई है और ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, और ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रोडक्शन के साथ ऑल टाइम रिकॉर्ड प्राइस भी है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए?
सुरेश जी, देखिए जो क्रॉप का प्रोडक्शन या एकरेज का डेटा होता है वो एक थोड़ा सा लंबे समय के लिए होता है, मगर सिंस हम फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर डेली भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं। जैसा कि हमने देखा है कि क्रूड के भाव से मार्केट काफी इन्फ्लुएंस होता है, कई बार हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से भी मार्केट काफी इन्फ्लुएंस होता है, कई बार हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी में कोई कमोडिटी चल रही है तो उसकी देखम देख कोई कमोडिटी चलनी स्टार्ट हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन की फिगर्स हैं, जो एकरेज की फिगर है या फिर जो एक्चुअल जो डेटा है वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए होता है, मगर यहाँ पर ये हमको नजर रखना है कि अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और ऐसी कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड से बैक्ड है, जो कि वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होता है, तो हमें खाली डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं, हमको पूरा विश्व के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो बाकी कंज्यूमिंग या प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पर कैसे हालात हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, अगर हम किसी एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो भारत के अंदर हालांकि इसका प्रोडक्शन काफी कम है, मगर उसके बावजूद अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल जो है वो आपको बाकी कंट्रीज से भी डेटा मिलता है जिससे प्राइस इफेक्टेड होता है। तो खाली इंडिया के डेटा पर हमको भरोसा नहीं करना है, हमको पूरे विश्व के ऊपर जो जो इसकी मेन कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी भी स्थिति देखनी है, और जो करंट फंडामेंटल है, करंट जियोपॉलिटिकल का टेंशन है, या फिर हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी चेंज हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें कि इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस हुए या कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंज होता है तो प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, तो और साथ में क्रूड के भाव या माल भाड़े में, तो खाली प्रोडक्शन फिगर्स ही इम्पैक्ट नहीं करती, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अब ग्लोबली अटैच्ड हैं और वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को इफेक्ट करती हैं। तो हमको ये सब डेटा जो है, मींस अब हमें अगर ट्रेड करना है फ्यूचर्स मार्केट में तो हमको पूरा ओपन होकर पूरी तरफ नजर रखकर हमको ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, और शायद यही जो सिनेरियो है या इस तरीके की जो डेटा है ये ट्रेडर्स के पास शायद फिल्टर होकर के और ठीक कंडीशन के अंदर में नहीं पहुंचते, और जब तक पहुंचते हैं तब तक फिगर्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं, और कुछ चेंज इंटेंशनली कर दिए जाते हैं, कुछ चेंजेस ट्रेवल करते हुए उन डाटास के बीच में ऑटोमेटिकली फर्क आ जाता है। जैसे एक रुपया चलते चलते 25 पैसे हो जाता था कभी, तो वैसे ही यहाँ पर डाटा जो है वो कुछ का कुछ हो जाता है जब एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर की तरफ मूव करता है। अनुज, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है और इसके साथ में जो फंडामेंटल्स हैं इन तीनों कमोडिटीज के बीच के अंदर में, अगर हम मसालों की बात करते हैं, कौन सा ऐसा मसाला है जो एक बेहतरीन तड़का यहाँ पे लगा रहा है? सुनो जी, देखिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जीरा और धनिया अभी थोड़े ओवरबॉट जोन में है, जैसे कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि मार्केट अभी थोड़े हायर लेवल पर है, यहाँ पर एक डिप का वेट करना चाहिए। तो अगर हम जीरे की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो करंट रेट है करीबन 21,850 के आसपास का रेट चल रहा है, नीचे भाव अगर 20,000 से लेकर 20,500 के आसपास मिलते हैं तो एक अच्छा बेस्ट बाय बनेगा, जहां पर हम अगेन ऊपर में 22,000 से लेकर 24,000 तक के लेवल को देखेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करंट रेट मुझे लगता है थोड़ा सा अभी हायर लेवल है, जहां पर अगर लेंगे तो काफी थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट करते हैं, 20,000 से लेकर 20,500 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 10,300 10,400 के स्तर अगर मिलते हैं तो वो काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर हम खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। टर्मरिक की अगर बात करें तो इस साल का मेरा बेस्ट टॉपिक था, जो कि उसने ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था 11,000 का वो अचीव किया है। मुझे लगता है कि टर्मरिक में आगे भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, हालांकि थोड़ा साइज में मोमेंटम एज कम्पेयर जीरा और धनिया के थोड़ा सा कम है, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर भी पोटेंशियल काफी है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे भाव 8,500 से लेकर 8,800 के बीच आते हैं तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए, जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर और हमें लगता है कि हल्दी के अंदर आपको अगेन 11,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने काफी क्रूशियल रहेंगे इस कमोडिटी के लिए, क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर भी है और साथ में जियोपॉलिटिकल का टेंशन भी है, तो किस तरीके से अराइवल्स रहते हैं और जियोपॉलिटिकल का टेंशन किस क्या रुख में जाता है वो काफी मैटर करेगा। मगर एज कम्पेयर जो भी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि तीनों ही कमोडिटी आगे परफॉर्म करेंगी। लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा अभी आप अगर देखेंगे 2 दिन के अंदर ही करीबन 6 से 7% जीरा का भाव टूटा है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम किस लेवल में खरीदारी करते हैं जो कि हमको एक अच्छा ट्रेड दे सके। अनुज, आपने बताया कि भाई थोड़ा सा बाजार नीचे आना चाहिए, अगर थोड़ा सा बाजार नीचे आता है तब लगता है कि बाजार और थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहां पर आकर के जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा फंसता है, और क्योंकि जब मंदा आ रहा होता है, बाजार जब टूट रहा होता है, तो सभी ट्रेडर्स को लगता है कि अब बाजार यहां से और नीचे जाएगा,
और जब बाजार तेजी की तरफ होता है तो सभी को लगता है कि अब बाजार यहां से फ्ला 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 अपर लेवल्स दिखाने शुरू करेगा। जो एंट्री पॉइंट और जो एग्जिट पॉइंट है, जैसा कि डिस्कशन के बीच के अंदर में स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ग्रेवाल साहब ने ये कहा कि भाई किस समय पर मसाले को पकाना है और किस समय पर उस दाल के अंदर में तड़का लगना है, वो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुनाफा कब कमाना है और एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड के लिए। अब यहां पर एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है, यही आकर के ट्रेडर जो है वो फंसता है। तो यहां पर इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए सूर्य जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो लेवल्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी एक बात तो ये समझनी बहुत जरूरी है कि मार्केट का हाई और मार्केट का लो तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। हमें जो हाई और लो है उसके बीच में ही अपने ट्रेड को निकालना है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने पास फंडामेंटल फिगर्स आती हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रोल प्ले करती हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमको इंट्राडे ट्रेड करना है या हमको अपने फिजिकल के गुड्स के साथ मैच करके थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजीशन रखनी है। तो अगर हमें इंट्राडे करना है तो इंट्राडे करने के लिए आपके पास आप डेली के जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं उसको आप वॉच कर सकते हैं। और आपके पास अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड रखना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम देख लेते हैं कि जब भी भाव थोड़े नीचे आते हैं तो बाजारों में खरीदार लौटता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी मार्केट के अंदर खरीदार लौटता हुआ दिखाई दे फिजिकल मार्केट के अंदर और अराइवल का प्रेशर कम हो, हालांकि अभी आगे अराइवल आते हुए दिखाई देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना है तो अराइवल का वेट कर ले, अराइवल आने दे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले। बाकी जो लेवल्स हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो है काफी वॉलेटाइल होती है, जब भी प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का, चाहे वो गोल्ड हो, क्योंकि अगर आप गोल्ड को ही देखेंगे तो एक दिन में भी परसों ही हमने देखा था $100 की तेजी हुई थी, $100 की मंदी हुई थी। क्रूड भी $60 पड़ा था, $60 टूटा था। तो जब भी ऐसे हाई प्राइस बनते हैं तो परसेंटेज जो मूवमेंट होता है काफी बढ़ जाता है। तो जब ऐसे भाव दिखाई दें कि मार्केट काफी वॉलेटाइल हो, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा उससे बैकफुट पे रहना चाहिए, अग्रेशन में आके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट स्टेबल हो तब हमको बाय और बेचने के और खरीद के जो लेवल्स है वो फाइंड आउट करने चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए रोज की है। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि आपने ये लेवल मिस कर दिया या वो पॉइंट मिस कर दिया, ये तो रोज का मार्केट है। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रख के ट्रेड करते हैं, मैं जनरली अपने इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि आप अगर आज आपने मिस कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपने मिस कर दिया, आपके पास कल मार्केट अपॉर्चुनिटी दोबारा से है। तो आप दोबारा से माइंड को देखकर, क्योंकि जनरली कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें एग्रीकल्चर कमोडिटी में काफी सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो फिजिकल से रिलेटेड है, तो हमसे ज्यादा नॉलेज जो होती है वो फिजिकल के ट्रेडर के पास होती है। वो देख लेता है कि मंडी के अंदर कब खरीदार लौट रहा है या कब एक्सपोर्ट डिमांड है। जब दिखे कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, ट्रेडर वापस लौट रहे हैं, खरीदारी दोबारा से आ रही है, तो उसका मतलब कि वो एक ऐसा लेवल है जहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। और वही लेवल हमको अपने टेक्निकल चार्ट में फाइंड आउट करना होता है कि कौन से लेवल पे खरीदारी देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में अगर आ रहे हैं, मार्केट में अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, हमको लेवल अगर पकड़ना है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस रेट में हमको एक्सपोर्ट के सौदे जो है वो हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इंपोर्ट के जो हमारे ट्रेड है वो किस रेट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और फिजिकल डिमांड जो है वो किस रेट पर काफी अग्रेशन में है। तो वो जो टाइम जोन है या फिर वो जो लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो ऐसे लेवल्स को हमको वॉच करना चाहिए जहां पर हम अच्छा एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो पकड़ पाएंगे। देखिए ट्रेडिंग में अगर हम सोचे कि हमको रोज प्रॉफिट मिले वो पॉसिबल नहीं है। हम अगर रोज ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको, देखिए वो तो फ्लिप ऑफ कॉइन है कि आपको एकदम 50% प्रॉफिट होगा 50% लॉस होगा, बट अगर आपको 100% लॉस प्रॉफिट लेना है, आपको अगर ट्रेड ऐसा लेना है कि आपको समझदारी में ट्रेड आए, तो आप समझ के थोड़ा रुक कर अगर ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, और यही स्ट्रेटेजी भी रहनी चाहिए। जो डेली का जो ट्रेड है वो तो स्पेकुलेटिव मूव है ही है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्पेकुलेटिव ट्रेड ही है, उसको हम स्पेकुलेटिव या यूं कहेंगे कि बाय लक का ट्रेड कहेंगे। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च अगर स्ट्रॉन्ग की हुई है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की और तब उसके बाद सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर एक फायदा देखने को मिलेगा। हाल ही का जो एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर में ग्रेवाल साहब ने दिया था कि इस समय पर जो इंटरनेशनल सिनेरियो बने हुए हैं उसको देख करके जो इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं उसके अंदर में जो हमने अप एंड डाउन आते हुए देखे, और अगर किसी ने हेजिंग टूल को यूज किया होगा तो वो सेफ गार्ड रहा होगा, लेकिन जिसने हेजिंग टूल नहीं लिया होगा तो वो तो फिर बाय लक है कि अगर चल गया तो तीर है, नहीं चला तो तुक्का है। तो वो वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर उन्होंने अगर अपनाई होगी तो पता नहीं कितने लोगों के यहाँ पे नुकसान हुए होंगे।